नमस्कार दोस्तों, डोरी पाइपिंग बनाने के लिए आप ये मेरा वीडियो पूरा देख लो, उसके बाद आपको किसी का वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले एक कापड़ ले लेना है, उसमें कापड़ को उरेप काटना है क्रॉस में, बराबर वो क्रॉस में काट लेना है कापड़ को, पूरे पूरा क्रॉस रहना चाहिए। ये वीडियो में दिख रहा है इस तरह से, ऐसी एक पट्टी बना लेनी है। उसके बाद ये डोरी आसानी से किसी भी टेलरिंग मटेरियल जो बेचता हो उसके वहाँ आसानी से ये डोरी मिल जाएगी, पाइपिंग की डोरी, उसको ले लेना है। और इसमें ये वीडियो में दिखाया इस तरह से उसको आपको कर लेना है। यदि आप नए नए सीखते हो या बिगिनर हो तो थोड़ा आराम से करना है, वीडियो को एक या दो बार देखो तो आराम से पता चल जाएगा। बस इस तरह से कर लेने के बाद उसको थोड़ा सा खींच लेना है, हल्का सा, उसके बाद वो पट्टी को सीधा काट लेना है। उसके बाद जो ये वीडियो में ध्यान से देखो, मैं आराम से आप लोगों को बताता हूँ ये पट्टी को किस तरह से कापड़ के ऊपर मुकना है, बराबर ऐसा मुकना है और नीचे देखना है चाप के जितना दबान आना चाहिए। बस इस तरह से आराम से उसको रख लेना है। अभी तो मुझे आता है इसलिए मेरे को चाप बदलने की ज़रूरत नहीं रहती, मगर आपको वन साइड चाप भी मिलती है मार्केट में। यदि आपको फिनिशिंग ना आए तो वन साइड चाप ले लेना है पाइपिंग बनाने के लिए। बस देखो इस तरह से रख देना है, बराबर है। उसके बाद देखो, ध्यान से देखो ये पट्टी किस तरह से मैंने रखी है। बस इस तरह से रख लेना है उसको आराम से। उसके बाद हाँ देखो, बस इस तरह से अपनी पाइपिंग बन जाएगी। मगर उससे पहले उसको बीच में से आधा इस तरह से मोड़ कर सिलाई लगा लेनी है, इस तरह से देखो। बस देखो ये अपनी सिलाई लग गई, उसके बाद उसको काट लेना है। उसके बाद उसको जो राउंड होता है वहाँ थोड़ा सा हल्का सा खींच लेना है, जो अपनी पाइपिंग आराम से अच्छी बैठ जाए। उसके बाद उसको उसके ऊपर एक धार की सिलाई लगानी ही है। मैं कॉन्ट्रास्ट दूरा से लगाता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से मैं सिखा पाऊँ। मेरा हाथ की पोजीशन देखो, ये राउंड में अपने हाथ को अच्छे से ऐसे शेप के मोड़ना है, शेप के टाइप पर। उसके बाद एक चाप की सिलाई और लगा लेनी है। मेरी हाथ की पोजीशन देखो, ये राउंड में देखो, हाँ ये देखो। अभी मैं आपको नज़दीक से दिखा पाइपिंग किस तरह से लगती है, एकदम अच्छी से मस्त फिनिशिंग आ गया इसका, देखो ये पाइपिंग। आपको और क्या सीखना है ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, और कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो भी कमेंट करना, मैं सबका जवाब दूंगा। थैंक यू।